आइए ना सर, सर प्लीज बैठिए। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं? अब काफी ठीक हूँ, आप बैठिए ना। नहीं बस, मैं पूर्वी का शुक्रिया अदा करने आया था, इसने जो अर्जुन की मदद की है, दरअसल मुझे करना चाहिए था। पूर्वी, मैं अर्जुन से मिलकर आ रहा हूँ, उसने मुझे बताया कैसे तुमने उसकी जमानत दी। और सही, आप क्या कह रहे हैं, इनफैक्ट थैंक्स तो मुझे उनका कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरी आजी की जान बचाई। तो तुम रेसिप्रोकेट करना चाहती हो? नहीं सर, समय तो बस अर्जुन। मेरा मतलब है कि अर्जुन सर। इट्स ओके, गॉड ब्लेस यू बेटे। जी फारूक भाई। अर्जुन, मुझे अर्जेंटली गोवा की टिकट्स बुक करनी है, लेकिन मैं अपने एजेंट के पास नहीं जा सकता क्योंकि मुझे बहुत सारा काम निपटाना है। क्या तू जाकर मेरे लिए टिकट बुक करा सकता है प्लीज? ठीक है फारूक भाई, मैं गैराज का काम खत्म करके पहुंचता हूँ। अरे तू यहाँ के काम की टेंशन मत ले, आज थोड़ा लेट आएगा तो भी चलेगा, मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है, तो फिर आप अपने वो टिकटिंग ऑफिस का एड्रेस मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं पहुंचता हूँ। ठीक है, मैं मैसेज कर देता हूँ। जी ये लो। अरे भैया जरा हमार पटना जाने का पहला टिकट दें। 110 रुपए। दस देते हैं। जी जयराम जी की यादव जी। जयराम जी की का हो, टिकट विकेट मिल गया कि नहीं? अरे मिलेगा का है नहीं, ई का हमरा हाथ में है। तो फिर आ जाओ फटाफट। अरे भाई साहब क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई क्या? हाँ लगता तो ऐसे ही है। अरे तुम, आपकी मदद कर देता हूँ, मेरा गैराज पास में ही है। हमका कहा गया है कि मुंबई में किसी पर भरोसा करना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी गाड़ी अभी खराब हो गई है तो आप इसे ठीक कर सकते हैं? अरे कैसी बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कर देंगे। और वैसे कोशिश करके देखिए सर, मुंबई में सारे लोग इतने बुरे नहीं होते। आप मुंबई से नहीं है? नहीं। अरे बातों से तो बिहार वगैरह कहीं के लग रहे हैं, क्यों? नहीं नहीं, यहाँ पे जल्दी ठीक करिए, हमें हमका जरा जरूरी काम है। वैसे भाई साहब ये अब बारिश बहुत हो रही है, गाड़ी मुझे ले जानी पड़ेगी अपने गैराज में। ठीक है, तो आप ये चाबी रखिए और हम अपना काम निपटा के आते हैं। सर मेरा गैराज पास में ही सर, यहाँ पे।
कह रही आई तू? तुझे मंदिर जाना है, तू आज हॉस्पिटल से आई और तुझे मंदिर जाना है? तू कुछ भी कहती आई, आज कोई मंदिर मंदिर नहीं जाना है। अर्चु तू ये क्या कह रही है? अरे आज बड़ी संकष्टी है, अंगारकी है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। मुझे पता है आज बड़ी संकष्टी है, लेकिन मंदिर जाने की क्या जरूरत है? वहाँ इतनी भीड़ होगी आज, तो पता नहीं कितने लोग होंगे, कहीं चक्कर वगैरह के तो वहाँ गिर गई तो कौन तेरा ध्यान देगा? अरे अर्चु ऐसा कुछ नहीं होगा, तू खामखा चिंता कर रही है। मैं गणपति बाप्पा के दर्शन करूंगी, उनकी पूजा करूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भाई भगवान के घर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम्हारी तबीयत खराब है फिर भी मेरी पूजा करो। कुछ भी आए, मैंने बस तुझे कह दिया ना तू मंदिर नहीं जाएगी। तू एक काम कर, तू घर पे रह, मैं तेरी तरफ से मंदिर जाकर आती हूँ और मोदक भी चढ़ा दूंगी। अगर ऐसी बात है तो तुझे यहाँ आकर मोदक लेकर जाने पड़ेंगे। मोदक लेने के लिए मतलब? हाँ, आज अंगारकी चतुर्थी है ना, तो मैंने अपने हाथों से मोदक बनाए। भाई तू, तूने किचन में काम किया है, लेकिन तुझे जरूरत क्या थी किचन? आई मैं तुझे फोन करती हूँ, आई एक सेकंड, खाना मत, आई आई खाना मत, ये रख दीजिए। ये औरत मेरे पीछे क्यों पड़ी है? पहले से तो मेरा पीछा नहीं छोड़ती, अभी खाने के पीछे पड़ गई है। कैसी औरत है तू? मत खाइए मैडम। हम अभी तू भी उसके नाद में लग गई क्या? मैं खाऊंगी 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 मैं खाऊंगी। आया संकष्टि है, मैं आया संग, इसीलिए तो मना कर रहे हैं हम आपको। संकष्टि, मुझसे गलती हो गई पापा, मैं हमेशा संकष्टि ध्यान में रखती हूँ, लेकिन आज मेरे हाथ से पाप होने वाला था। अच्छा हुआ आपने मुझे संभाल लिया। आपको पता है मैं कभी से करती हूँ आपका उपास, आईंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मैं हमेशा ध्यान में रखूंगी। माफ करना पापा, मुझे माफ करना। ने हंस की हंस क्या रही है, हंस क्या रही है? आज अंगार की संकष्ट और तूने मुझे बोला नहीं? अरे कनाडा में तू डायरी मेंटेन करती थी ना, संकष्टि एकादशी त्योहार, तो इधर क्यों नहीं किया? तूने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? सॉरी मैडम, भूल गई थी। भूल गई तो कैलेंडर पर मार्क क्यों नहीं किया? बोल तो मैं पहले दिन तू अगर बताती तो मैं ये सब नहीं करने जाती, मेरे से पाप हो जाता। जान बूझ के तुमने किया है। आई अगली बार से मैं माफ कर लूंगी। अगली बार क्या, अगली बार देखेंगे, समझा ना? लेकिन आज तुम दोनों ने मिलके जान बूझ के किया है, मेरा उपवास तोड़ना चाहते थे तुम दोनों। आई अभी क्या बोल रही है? मैं ऐसा जान बूझ के क्यों करूंगी? अगर मुझे ऐसा करना ही होता तो मैं आपको क्यों रोकती सैंडविच खाने से? ये तू हंस मत, हंस मत, जो हाथ में मिलेगा उसे मारूंगी, तेरा सर फोड़ दूंगी। पहले मेरा दिमाग गरम हो गया, दांत निकल के हंस मत, नालायक नालायक एक नंबर की। अरे पापा, पापा मेरे हाथ से आज पाप होने वाला था, अच्छा हो गया इन वक्त पे मुझे याद आई। अर्जुन क्या आपको यकीन है कि वो वही आदमी? मुझे पूरा यकीन है सर, ये वही आदमी था सर जो हमारे गैराज के बाहर गाड़ी रखे गए। I cannot be mistaken sir, मैं गलती नहीं कर सकता, ये वही आदमी। आज आपने उसे कहाँ देखा? सर दादर स्टेशन, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, मैं पीछे पीछे भागा, लेकिन वो शायद अंधेरी की तरफ जो ट्रेन जा रही थी उसमें चढ़ के वो भाग गया सर। सॉरी मैं। अर्जुन तुम कोई और जानकारी दे सकते हो? मेरा मतलब है कि वो देखने में कैसा था और उसने कपड़े कैसे पहन रखे थे वगैरह वगैरह। सर एक ब्लू डेनिम पहन रखी थी उसने सर, ब्लू सी नॉर्मल सी जीन्स जैसे मैंने पहनी है, प्लेन सी शर्ट थी, हाइट में आई थिंक 5 feet 8 inches या 5 feet 9 inches से ज़्यादा नहीं होगी सर। एक और दिक्कत, जब मैं उसके करीब करीब ऑलमोस्ट पहुँचा था तो उसके गर्दन पे अजीब सा निशान, मैं अच्छी तरह से डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता। हेलो इनामदार, हाँ इंस्पेक्टर यशवंत बोल रहा हूँ। अरे वो जो एक्सटॉर्शन एब्डक्शन का जो केस चल रहा है उस सिलसिले में एक डेवलपमेंट, तुम एक काम करो, दादर स्टेशन के और अंधेरी स्टेशन के बीच में जितने भी स्टेशन हैं
उन पर अपने लोगों को सर्च ऑपरेशन पर लगा दूँ। नहीं, अभी तक स्केच नहीं बनाया, लेकिन हाँ, अर्जुन ने जो डिटेल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। सॉरी सर, मैं इससे ज़्यादा आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। इट्स ओके मिस्टर सर, आपने जितना हमें बताया इससे हमें इतना तो पता चल गया कि असली मुजरिम मुंबई में है। आजी मैंने सब लिख दिया है, कौन सी दवाई कब लेनी है, अब मैं घर पे रहूं ना रहूं तो टाइम से दवाई लेती रहना, ठीक है? कौन है पूर्वी? अरे अर्जुन, कैसे हाजी? हाजी मैं साहब की तबीयत पूछने के लिए आया, कैसा फील कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ अभी मैं। अरे मैं खुद तुमसे धन्यवाद कहना चाहती थी, उस दिन तुमने मेरी कितनी मदद की, अगर उस दिन तुम नहीं आते तो। अरे नहीं नहीं हाजी, अब आप पापा में इतना विश्वास रखती हैं तो उन्होंने किसी ना किसी को तो भेजना ही था आपके लिए, तो उन्होंने मुझे चुना। ऐसा नहीं है अर्जुन, भगवान हर एक को अपनी जिम्मेदारियां बांट देता है, लेकिन उन्हें निभाने की नीयत भी तो होनी चाहिए। उस दिन तुमने मेरी कितनी मदद की, इतनी धुआंधार बारिश में तूने मुझे इतनी मुश्किलों के बावजूद हॉस्पिटल पहुंचाया। अरे तुम खड़े क्यों, बैठो ना। नहीं नहीं आजी, मैं बस आपका हालचाल पूछने आया था। मैं चलता हूँ, काम के लिए देरी हो रही है, आप अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, चलता हूँ। अर्जुन, उस दिन तुमने हमारी बहुत मदद की, मेरी आई को हॉस्पिटल पहुंचाया, उसकी दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें तुमने की, अगर तुम नहीं होते तो शायद कुछ भी हो सकता था। आंटी, इट वॉज माई ड्यूटी, मेरा फर्ज था। अर्जुन तुमने जो कुछ भी किया वो मुझ पर एहसान रहा, और मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बताओ कि दवाइयों का बिल कितना हुआ? आंटी, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन तो ये जरूरत है अर्जुन, मैंने आज तक कभी किसी का एहसान नहीं रखा, और ये तो बात मेरी आई की है, इसीलिए जरूरत है। देखो अर्जुन, तुमने जो कुछ भी मेरी आई के लिए किया वो मुझ पर एक एहसान है, और मैं वो चुकाना चाहती हूँ। प्लीज इसे गलत मत समझना, ये मत समझना कि मैं अपनी आई की जान की कीमत लगा रही हूँ। अर्जुन, मेरी आई मेरे लिए बहुत मायने रखती, बहुत ज़्यादा। तुमने अपना फर्ज निभाया, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, है ना? और जो पैसे तुमने दिए वो तुम्हारी मेहनत की कमाई। आंटी वैसे भी वो पैसे मेरे गैराज के ओनर ने दिए थे, मैंने नहीं। तो फिर मैं जानती हूँ, लेकिन वो उधार तुम पर है, और कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी सैलरी से वो पैसे देने, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मेहनत की कमाई इस तरह। कितने पैसे हुए अर्जुन? ₹438। थैंक यू मेरी बात समझने के लिए। आई वो मैं मोदक लेकर आई। बेटा तूने अर्जुन के साथ अच्छा नहीं किया, उसे कितना बुरा लगा होगा। आई मैंने कहा ना, उससे भी कहा कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मैं उसका दिल दुखाने के लिए नहीं कर रही। आई
प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कर। कौन अपना है कौन पराया है कभी कभी ये बताना लोगों को बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मैं जानती हूँ आई कि उसने जो कुछ भी किया हम पर बहुत बड़ा एहसान है उसका, जो मैं कभी नहीं चुका सकती। लेकिन आई, उसके परिवार में और हमारे परिवार में बहुत फर्क है, और मैं चाहती हूँ कि ये फर्क बना रहे। उसके परिवार में और हमारे परिवार में बहुत फर्क है, और मैं चाहती हूँ कि ये फर्क बना रहे। पूर्वी, 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 तू रो रही है? देख, जो हुआ उसका बुरा मत मान बेटा। हर बात के दो पहलू होते, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। तो अच्छे के बारे में सोचना। मगर आजी, आजी आई कब समझेगी कि अर्जुन एक अच्छा लड़का है? आई को कब उसकी अच्छाई नजर आएगी आजी? कब कैसे ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन सच कहूं मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा है, उसका अर्जुन के प्रति देखने का नजरिया बदलने लगा है। देखना कल की बात, कल जब तूने कहा कि तू अर्जुन से मिलने गई थी, वो तुझसे नाराज नहीं हुई। लेकिन आजी अभी अभी पैसों के लिए। आजी मैं मानती हूँ कि उसने उसके पैसे लौटाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो तो अर्जुन की मदद कर रही थी। जब पैसे लौटाए तो उसने क्या कहा, ये तेरी मेहनत की कमाई। पूर्वी, तेरी नजरों में वो अर्जुन का कर्जा चुका रही थी, लेकिन मेरी नजरों में वो अर्जुन की मदद कर रही थी। देख, उसने चुनौती दी है ना कि मेहनत के 10,000 रुपए कमा के दिखा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो खुद भी चाहती है कि अर्जुन उस चुनौती को पूरा करे, लेकिन बेचारी इस बात से अनजान है। आजी तू क्या कह रही है? मेरे को सच कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ। अर्जुन ने कल हॉस्पिटल का बिल चुकाया तो उसकी मेहनत की कमाई में से उसके पैसे कम हुए ना। अर्जुन ने आज पैसे लौटाकर वो कमी पूरी कर दी, ये कहकर कि वो उसके एहसान चुकाना चाहते, समझी? आजी तो आई को कितनी अच्छी तरह से समझती है ना। हाँ, मैं तो अर्जुन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अर्जुन को जल्दी से जल्दी समझ ले, ताकि बेचारे को ज्यादा संघर्ष न करना पड़े।